ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमारी MS वर्ड के हवाले से क्लास नंबर 13 वाइंड अप हो चुकी थी। क्लास 13 के अंदर हमने ये चार का टॉपिक वाइंड अप किया था, और आज क्लास नंबर 14 को हम स्टार्ट लेते हैं। MS वर्ड की क्लास नंबर 14 को स्टार्ट ले रहे हैं, और ये टॉपिक आज हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आखिर ये है क्या? देखें, हमारे पास कोई काम भी किया हुआ मौजूद हो, हमारे पास ये वर्ड मौजूद है यहाँ पर, जो काम भी किया हुआ कुछ भी हो XYZ। अब यहाँ पर चले जाते हैं व्यू पर, और ग्रिड लाइन से चकर आएंगे, ये लाइन जो आ रही थी गायब हो जाएंगी। अब बात यह है कि हमने स्क्रीनशॉट को यूज़ कैसा करना है। स्क्रीनशॉट पर आए, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। अब किस एरिया की आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर या स्क्रीन पे कोई भी आपके पास वीडियो हो, पिक्चर हो, कोई भी एरिया हो, आप उस एरिया की सिलेक्शन लेंगे और ये एरिया कॉपी होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करके साइज़ कम करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे ज़्यादा, और यहाँ पर स्क्वायर पर क्लिक करके इसको ईजिली यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। एक बार फिर देख लें, इंसर्ट पर आएंगे, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक किया। अब हम चाहते हैं ये जो विंडोज 7 का लोगो है इसको हमने कॉपी करना है, इसको यूँ सेलेक्ट किया, ये कैप्चर हो गया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लिक करके साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आइडिया दे रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो क्या कहते हैं वर्ड के मेन्यूज़ आ रहे हैं, इसके कमांड्स और ऑप्शंस वगैरह आ रही हैं, इसी एरिया की हमने इसे सेलेक्ट करना है, मतलब स्क्रीन शॉट लेना है इसका, तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमने फ़ौरन से काम करना होगा वो ये कि जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, मिनिमाइज़ हुआ, दोबारा क्लिक करके मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। क्या किया मैंने, वहाँ क्लिक किया, ये मिनिमाइज़ हो गया था, मैंने डायरेक्ट यहाँ क्लिक किया, यानी कि 2 सेकंड से पहले पहले आपने फ़ौरन यहाँ क्लिक करना है, ये आपके सामने वर्ड दोबारा ओपन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेन्यूज़ आ रहे हैं इस एरिए की हमने सिलेक्शन लेनी थी, या जिस एरिए की लेना चाहें, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप सेलेक्ट करेंगे, देखें जैसे सेलेक्ट किया वो एरिया कॉपी होकर इसके अंदर पेस्ट हो गया पिक्चर की कंडीशन में, देख रही हैं। बाकी जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। क्लास 14 का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, और ये स्टोर और माय ऐड इन ये कोई इतने खास हमारे काम के ऑप्शन नहीं है, इंटरनेट से रिलेटेड हैं। और ये लिखा हुआ आ रहा ऑनलाइन वीडियो, अगर इंटरनेट आपके पास कनेक्ट हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन वीडियोज़ किसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि ऑफिस वर्किंग के हवाले से टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड करनी हो तो आप देख लेना। अब लिखा हुआ आ रहा है हाइपरलिंक और बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस, ये 3 ऑप्शन हैं आज के इस क्लास के ही हैं। आई कंटिन्यू करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक या क्या है, अगर हमारे पास यहाँ किया हुआ काम मौजूद हो, कोई काम भी हमारे पास किया हुआ है यहाँ पर, और हम चाहते हैं किसी किसी शख्स ने हमसे ये फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन टाइप कराई, वैसे एप्लीकेशन ये है नहीं, मैं समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ जाकर हमने इसको सेव किया डेस्कटॉप पर, और इसको हमने सेव कर दिया मुरीब के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गई, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हमने एक अपनी पर्सनल फाइल बनानी है, उसमें हमने नाम लिख देना है मुरीब। ठीक है, हम चाहते हैं जो मुरीब ने फाइल बनाई थी उस फाइल का हम यहाँ पर लिंक बना लें। नाम लिखा मुरीब, नाम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर आएंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक कर देंगे, कहाँ सेव की हुई थी यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर डेस्कटॉप पर मौजूद थी वो फाइल, तो यहाँ देखें नाम आ रहा होगा मुरीब, यहाँ पर हमने सेव की थी वहाँ पर वो फाइल मौजूद होगी, ये आ रही है फाइल। स्क्रीन टिप पर क्लिक करें, लिखा हुआ क्या है, मैसेज में कुछ भी आप लिखना चाहें स्क्रीन टिप के मैसेज में आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, क्लिक हेयर, ओके किया, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, माउस लेके जाएंगे, लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर, कंट्रोल प्लस क्लिक, शॉर्ट की क्या है कंट्रोल, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, हैंड का साइन आ रहा है, माउस से क्लिक कर देंगे, यस करेंगे, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी वो ओपन हो जाएगी, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, पिक्चर फाइल हो, कोई किसी किस्म की भी फाइल हो, किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल हो, यूँ ओपन हो जाएगी। एक बार फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कैसे ये ओपन हुई थी फाइल, क्या तरीकाकार था। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ जाकर कोई भी नेम टाइप किया, अब लाजमी नहीं कि जिस शख्स ने आपसे काम करवाया उसी का नाम टाइप करें, कोई नेम भी टाइप कर सकते हैं, जिस नाम से फाइल सेव की है वो नाम भी टाइप कर सकते हैं। आप एक अपनी पर्सनल फाइल बना लें ऑफिस वर्किंग के अंदर, ऑफिस वर्किंग में आसानी के लिए आप अपनी एक पर्सनल फाइल बना लेंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि मुख्तलिफ लोग आपके पास आएँ, काम करवाते रहें ऑफिस में, और आप उस पर्सनल फाइल के अंदर उनका नाम लिख के, और उस फाइल का नाम लिखने के बाद उस फाइल का यूँ लिंक क्रिएट कर लेंगे हाइपरलिंक की मदद से, तो उसका ये फ़ायदा होगा बाद के दिनों में कुछ दिन के बाद उनमें से किसी फाइल को दोबारा ओपन करना पड़े ढूंढने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हाइपरलिंक, क्या किया हमने, गुल के नाम को सिलेक्ट किया, दोबारा बता रहा हूँ तरीका इसका, गुल के नाम को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया, और हम चाहते हैं अब जैसे कि ये फोल्डर है, कोई फोल्डर हो, कोई फाइल हो, जो चीज़ भी हो, स्क्रीन टिप पे क्लिक करें, कुछ भी लिखना चाहते हैं मैसेज टाइप कर सकते हैं, ओके अगेन ओके, या माउस लेके जाएंगे, ई मैंने टाइप किया था वो ऊपर आ रहा है,
और शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस क्लिक। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, हैंड का साइन आ रहा है, माउस से क्लिक कर देंगे, यस करेंगे, जो चीज़ होगी वो ओपन हो जाएगी, फोल्डर था ओपन हो गया। यह तरीका कार था, चाहें तो इस लिंक को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है बुक मार्क। बुक मार्क ये क्या है, अगर हमने यहाँ जाकर कोई काम भी किया हो, कोई भी काम किया हुआ मौजूद है हमारे पास यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑफिस वर्किंग के हवाले से आप काम कर रहे थे, ऑनलाइन आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया किसी दूसरे ही ब्रांच से आपके ऑफिस में, और आपके पास कुछ उसके अंदर वर्ड्स वगैरह लिखे मौजूद है जो आपने पढ़ तो लिए, लेकिन उसकी मीनिंग का कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं क्यों ना मैं उसकी मीनिंग देखूँ, देख के और उसके अंदर उसकी मीनिंग को ऐड भी कर लूँ अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मुख्तलिफ वर्ड्स वगैरह आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, जैसे कि लुक, लुक के माने होते हैं सी, सी के माने देखना, लुक सी व्यू, तीनों की मीनिंग सेम है, कैटेगरी के मुताबिक यूज़ किया जाते हैं। अब हमने क्या किया, बुकमार्क पे क्लिक किया, लुक को सिलेक्ट किया, बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ जाकर हमने टाइप कर दिया क्या कहते हैं सी, और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब इस तरीके से मज़ीद दूसरे कोई वर्ड वगैरह हमने देखा और उसकी मीनिंग का हमें पता नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़, एक आइडिया दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, चूज़, चूज़ की मीनिंग क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नहीं पता, तो हमने जब इंग्लिश की डिक्शनरी उठाई पता चला चूज़ के माने होते हैं सेलेक्ट करना, चुनना, सेलेक्ट करना। ठीक है, बुकमार्क पे क्लिक किया अपनी आसानी के लिए, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया सेलेक्ट और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब कहीं भी आप क्लिक कर दें, अब जैसे कुछ दिन के बाद फिर अगर आप इसको रिपीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आपको याद आया कि यार पता नहीं उसकी क्या मीनिंग लिखी थी, मुश्किल वर्ड हो मैं उसका कह रहा हूँ फिलहाल, ये तो आसान वर्ड है, सबको इसकी मीनिंग का पता है, लेकिन मैं एक आइडिया देने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो खैर क्या करेंगे, शुरू में क्लिक कर देंगे, बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे, सी किसकी मीनिंग है, गो टू ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी सिलेक्शन आएगी लुक की है, सेलेक्ट किसकी मीनिंग है, गो टू ऊपर क्लिक करेंगे, चूज़ की है। ठीक है, हाईलाइट कर रहा है, और यहाँ नाम को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इस वर्ड को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, ओके करें, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस ये क्या है, हम यहाँ जाएंगे इसके अंदर, हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई, दूसरी तीसरी हेडिंग बनाई, इस तरीके से हेडिंग को अप्लाई करने के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्टर वन, पहली हेडिंग का स्टाइल अप्लाई होगा, दूसरी हेडिंग के लिए कंट्रोल ऑल्टर टू, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग के लिए कंट्रोल ऑल्टर थ्री, तीसरी हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर ये थ्री स्टाइल्स अप्लाई करने के तरीके थे, कंट्रोल ऑल्टर वन टू थ्री, पहली दूसरी तीसरी हेडिंग आएगी। अब हेडिंग तीन तीन से ज़्यादा होती हैं तो फिर क्या करते, फिर आप किसी भी एक हेडिंग का स्टाइल को चाहें बार बार अप्लाई करें, नो प्रॉब्लम, अप्लाई कर सकते थे। क्रॉस रेफरेंस ये क्या है, फाइल के सबसे एंड में हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक किया और आगे लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग, हेडिंग पर क्लिक करेंगे, सामने ये जितनी हेडिंग से सब आ गई, जिस हेडिंग पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे हेडिंग आ जाएगी, बराबर में क्लिक करके कर्सर क्लिक कर दें नीचे आगे एंटर करने पर, दूसरी हेडिंग पर क्लिक किया एंटर किया, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर तीसरी हेडिंग पर क्लिक करके इंसर्ट और क्लोज पर क्लिक किया, जहाँ पर हेडिंग है कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, हैंड का साइन आ रहा है, माउस से क्लिक करेंगे, हेडिंग पे कर्सर हमारा जाएगा, चाहे 1000 पेजेस होते हैं 100 हेडिंग्स होती हैं डायरेक्ट उस हेडिंग में आ जा सकते हैं, वहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ये? तो ये था क्लास नंबर 14 के हवाले से हमारा टॉपिक, हमारा ये क्लास नंबर 14 का टॉपिक वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में क्लास 15 के हवाले से कमेंट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।